क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट पार्ट 10। हियर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए क्या रूल्स होंगे इमेज फॉर्म करने के लिए? फर्स्ट, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट क्या पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऑफ कन्वेक्स लेंस। ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ऑलवेज क्या है, फोकस से पास होंगे ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के अदर साइड, एज वी कैन सी इन द डायग्राम, पैरेलल एंड पास थ्रू द फोकस। सेकेंड इज रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट क्या प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी, विल इमर्ज पैरेलल, पैरेलल इमर्ज होगी, वी कैन सी दैट इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद। थर्ड इज रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। रे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, विल इमर्ज विदाउट एनी डाइवर्शन, बिना किसी डाइवर्शन के क्या ये इमर्ज हो जाएगी। नाउ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। हमारे ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी से आ रहा है, देन वी कैन सी दैट द इमेज फॉर्म एट द पॉइंट एफ टू एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एज ए डैश और बी डैश। साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज है। सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ये क्या बियॉन्ड 2f, सो वी हैव इमेज ए बी सेंटर सी एंड पोजिशन क्या होगी इसकी, बिटवीन f2 एंड 2f2 में हमारी इमेज फॉर्म होगी, वो क्या होगी रियल और इन्वर्टेड होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट क्या है 2f पर फॉर्म होगा, वी हैव इमेज ए बी एफ एट 2f, नाउ सी एंड द पोजिशन इज एट 2f2, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड ए डैश और बी डैश, साइज इज वेरी स्मॉल। फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, हियर पोजिशन बियॉन्ड 2f2 2f डैश, वी हैव इमेज ए बी एंड इमेज एफ 2f एंड वी हैव बी डैश और ए डैश, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज इज एनलार्ज। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है f1 पर होगा ए बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड f1 इज f, देन ये बिकम्स पैरेलल आफ्टर डाइवर्जन एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए फॉर्म रूल्स क्या होंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, अपीयर्स होती दिखाई देती डाइवर्ज होती हुई लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस के, सेम साइड क्या है लोकेटेड दिखाई देती हैं। सेकेंड, ए रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, अपियर्स टू मीट, अपियर्स मीन्स मिलती हुई दिखाई देती हैं, अपियर्स ऑफ ए कनकेव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब हमारी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विल इमर्ज विदाउट एनी डाइवर्शन, बिना किसी डाइवर्शन के क्या इमर्ज हो जाएगी। नाउ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन द पोजिशन इज बिकम बिटवीन एफ एंड ओ, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज इज डिमिनिश। नाउ साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल लेंसेज। स्पेरिकल लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, फोकल लेंथ के लिए कन्वेक्स लेंस होगा पॉजिटिव एंड कनकेव लेंस होगा नेगेटिव, एंड साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू यूज स्पेरिकल मिरर्स एक्सेप्ट मेजरमेंट, मेजरमेंट्स के एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होगा। नाउ लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इज 1/V माइनस 1/U इजिकल्स टू 1/F। मैग्नीफिकेशन हमारा होता है m इजिकल्स टू hi/h, ओ hi फॉर हाइट ऑफ इमेज, ho फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हियर m इजिकल्स टू v/u,
पावर ऑफ लेंसेज. पावर ऑफ लेंसेज बेसिकली होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. रेसिप्रोकल मीन्स वन अपॉन पी इजिकल्स टू वन अपॉन फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इन मीटर. एस आई यूनिट इज वन डायोप्टर एवेयर वन डायोप्टर इजिकल्स टू वन मीटर पर सेक. नाउ वेयर वन डायोप्टर इजिकल्स टू वन एम माइनस वन. सो पावर ऑफ लेंसेज ऑफ कॉम्बिनेशन इज पी इजिकल्स टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड सो ऑन. पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव. हियर सम क्वेश्चंस. फर्स्ट डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर. सेकेंड नेम द मिरर दैट गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मिरर का नेम बताना है जो हमें क्या इरेक्ट और इनलार्ज इमेज ऑब्जेक्ट की प्रोवाइड करती है. डिफाइन वन डे ऑफ पावर ऑफ लेंस. नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है. वॉट इज़ द लाइट. वॉट इज़ द रे ऑफ लाइट. वॉट इज़ बीम ऑफ लाइट. डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिरर. वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन. वॉट इज़ ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. डिफाइन टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. राइट डाउन द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. वॉट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. लास्ट वी कैन स्टडी पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड सो ऑन. डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज. क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. वॉट इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होगी. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 20 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पेरिकल मिरर्स क्या होगा 2 into फोकल लेंथ. सो आर इज इक्वल्स टू 2f. इफ आर इज इक्वल्स टू 2f देन वी कैन से दैट f इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2. आर इज गिवन 20 देन 20 बाय 2 इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 2 मीटर. सो पावर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर. सो नाउ 1/-50 विच इज इक्वल्स टू 0.5 d. नेगेटिव साइन ऑलवेज मीन्स दैट इट इज डाइवर्ज नेचर ऑफ कनकेव लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर. फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस. हियर एफ इजिकल्स टू -15 सेंटीमीटर. देन लेंस फॉर्मुलाइज 1/v - 1/u = 1/f. नाउ 1/u को हम इधर ले जाते हैं तो 1/v - 1/f पुटिंग द वैल्यूज -1/10 -1/15 वी कैन सी दैट -5/150. नाउ u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर वी गेट. एंड नेगेटिव साइन मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. इन फ्रंट लेंस के फ्रंट पे प्लेस्ड होगा. एंड वी कैन सी इन द डायग्राम इमेज का इन फ्रंट ऑफ द लेंस. लेंस के क्या फ्रंट पे फॉर्म होगी इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर. एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 d. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. हियर वी कैन गेट p इज इक्वल्स टू 1/f. p इज इक्वल्स टू 1.5 d. देन f इज इक्वल्स टू 1/5 इज इक्वल्स टू 0.66 meter. means that convex lens has a positive focal length and it is converging lens.